हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में 5 पैसे कॉइन के बारे में बताएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है और कौन से कंडीशन में ज़्यादा वैल्यू पे सेल होता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक कॉइन दिखाई दे रहा है, 5 पैसे का कॉपर निकल वाला कॉइन है। इस कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मिंटेज हुआ था 1964 से लेकर 1966 तक हुआ था। कॉइन का जो वेट होता है अप्रॉक्स 4 ग्राम्स तक होता है। कॉइन का साइज 22 mm यानी कॉइन का डायमीटर होता है और कॉइन का जो शेप होता है स्क्वायर होता है, लेकिन कॉर्नर्स पे राउंडेड होता है यानी कर्व्ड होता है। अब इस कॉइन की अगर वैल्यू की, यानी कोई भी चीज़ आती है, कोई भी पुराना सिक्का या नोट आता है आपके पास, तो उसकी सबसे मेन चीज़ होती है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी और वो कहाँ सेल होगा। दोस्तों, ये कॉइन 3 ईयर्स में आए थे, 1964, 65 और 66। अब जो इसकी वैल्यू है वो ईयर के अकॉर्डिंग और मिंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहती है। अब पहले ईयर का कॉइन था 1964 का, अगर उसकी बात करें तो इसमें ऐसा कोई भी कॉइन नहीं था कि जो थोड़ा रेयर हो, जिसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो। बस एक 1964 का हैदराबाद मिंट का जो कॉइन था, उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 20 से 25 रुपये पर पीस होती है। बाकी जो कॉइन्स होते हैं 1964 वाले, उनकी वही 4 से 5 रुपये तक होती है। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं। डीलर से खरीदेंगे बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा लॉट ले रहे हैं 100-200 कॉइन का तो भी सस्ते में मिल जाता है। उसके बाद से आता है 1965 का। इसमें एक ऐसा कॉइन था जो कि थोड़ा रेयर होता है, जिसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। 1965 का हैदराबाद मिंट का अगर आपके पास कॉइन है तो वैल्यू 200 से लेकर 400 के बीच में आती है, और अगर अच्छी कंडीशन है तो थोड़ी और ज्यादा वैल्यू मिल सकती है, लेकिन 200 से 400 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। अब 1966 वाले कॉइन बॉम्बे मिंट और कोलकाता मिंट दोनों स्कैर्स कैटेगरी में लाए करते हैं। दोनों की वैल्यू 100 से 125 रुपए के बीच में होती है, और अगर बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन है, यूएनसी कंडीशन है, तो हो सकता है उसकी वैल्यू थोड़ी और ज्यादा मिले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। हम लोग बस इसी 5 पैसे कॉइन के बारे में बात करने वाले थे। इसमें जो जो हमने रेयर बताए हैं, जो जिनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बताई है, अगर आपके पास आता है, आप एक कलेक्टर है, तो अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, आगे चल के उसकी और वैल्यू बढ़ सकती है। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे कलेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो कलेक्शन करते हैं, उनके पास जो कैटलॉग्स होती हैं, कॉइन्स की बुक्स नहीं है, तो उसकी वजह से उनको परेशानी होती है कि हाँ, उनके पास कौन सा कॉइन रेयर है और किसका कलेक्शन करना चाहिए। तो इसलिए हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि कौन से कॉइन्स आपको रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारी वीडियो पहली बार देखें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लाइक करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का मन करता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके पास कौन कौन से कॉइन है और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको बाय भी करना है हमसे तो नीचे कमेंट करिएगा, अपना फोन नंबर दीजिएगा, हम आपको जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे। और दोस्तों, क्या कहते हैं, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम इस चैनल पर हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। और दबा दीजिएगा बेल बटन, जिससे कि हमारी वीडियोस आने वाली आप सबसे पहले देख सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।